अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनाश यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं अचारी गोश्त, जिसके इंग्रेडिएंट है। इसमें हमने प्याज लिए हैं, प्याज हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे हम लाइट ब्राउन कर रहे हैं, वो लाइट ब्राउन हो रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए गोश्त। ये हमने 2 किलो गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त है। इसमें हमने मिला जुला गोश्त लिया है, चापे वगैरह सब। और इसके बाद हमें जो चाहिए, 2 टमाटर लिए हमने मीडियम साइज़ के, इसे हम काटेंगे। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन है, और 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक है। इसमें 10 हरी मिर्च है जिसे हमने बारीक पीस लिया। इसमें नमक है, 1 खाने का चम्मच नमक है, अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए धनिया, हमने 1 खाने का चम्मच धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल वाली मिर्चें ली है पिसी हुई। इसमें हमें दही चाहिए, हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। इसमें हमें हल्दी चाहिए, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी ली है, और इसमें हमें आधी चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए। और अचार के मसाले के सामान में जो चाहिए हमें, हमने 1 चाय का चम्मच इसमें सौंफ लिए, 1 चाय का चम्मच इसमें वाइट जीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच इसमें कलौंजी ली, और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने दाना मेथी लिया। ये मसाले हम कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। देखिए, हमने प्याज जो है लाइट ब्राउन कर लिए हैं, हमें इतने चाहिए। हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना कोरमे का जायका आएगा। हम इसमें डाल देंगे अब गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये पूरा 2 किलो गोश्त जो आपको बताया था, ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से हम 5 मिनट तक मिक्स करेंगे, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए गोश्त का। देखिए, गोश्त को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी के मसाले। देखिए, इसमें हम डाल देंगे बाकी के मसाले जो अचार के आपको बताए थे, ये डाल देंगे। देखिए, गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट हो गए थे। इसमें हमने लहसुन, अदरक, हल्दी और अचार के मसाले डाल दिए हैं। अब इसको हम भूनेंगे 5 मिनट तक, फिर बाकी के मसाले इसमें और डालेंगे। देखिए, गोश्त को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए। हमने इसमें लहसुन, अदरक और अचार का मसाला जो आपको बताया था, वो भी डाल दिया था। अब इसके अंदर हम डाल देखिए अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्चें पिसी हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया हमने इसमें। और इसी के साथ डाल देंगे इसमें पिसा हुआ धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम डाल देंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया। और इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें जो आपको बताई थी, हरी मिर्चें डाल देंगे। और इसका अब हम मसाला भून लेंगे, जब तक इसका मसाला नहीं भुनी जाए। देखिए, अचार गोश्त का मसाला हमने भून लिया है। देखिए, तेल इसका ऊपर आ गया है। इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर, जो आपको टमाटर बताए, टमाटर डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने इसमें अचार गोश्त का जो मसाला है वो हमने भून लिया था, अब इसमें हमने डाल दिया टमाटर। टमाटर को हम जब तक भूनेंगे, जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। अचार गोश्त का मसाला भुनी चुका है। देखिए, टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया और ऊपर तेल भी आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे दही, अब इसमें डाल देंगे दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही का मसाला भून लेंगे हम। देखिए, अचार गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला जो आपको बताया था, ये गरम मसाला डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें अदरक जो आपको बताई थी, ये अदरक डाल देंगे गार्निश करने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें देखिए, आज हमने आपको अचारी गोश्त बनाना सिखाया है, वो भी मटन में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस ईद उल अज़हा पे इसको ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो भी रेसिपी आपको मिल सके। अगली शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।